नमस्ते एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत और हम बात कर रहे हैं सी ने जो सिलेबस इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के लिए रिलीज किया है इस साल के लिए दैट इज 2023-24 के लिए हालांकि इसकी जानकारी कल मैंने आपको अपने चैनल पे दी थी उसका लिंक भी आपके साथ शेयर किया था उम्मीद करता हूँ आपने देखा भी होगा सो so, अगर नहीं भी देखा है तो हम आज के इस सेशन में इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि क्या क्या सिलेबस में है कौन कौन से यूनिट्स हैं उनका एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं ज्यादा टाइम इसमें स्पेंड नहीं करेंगे ये समझने की भी कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इसमें नया ऐड हुआ है कि जैसा पिछले साल था वैसा ही एज इट इज इसमें इस साल भी हमारा सिलेबस वैसा ही होगा तो हम क्या करते हैं सीधे चलते हैं क्यूरिकुलम में दो हजार तेईस चौबीस दैट इज ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर सीनियर सेकेंडरी में चल के अकेडमिक इलेक्टिव में आ जाते हैं आई गो टू दिस इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसज सो दिस इज़ वॉट माई सिलेबस जिसे मैंने अभी डाउनलोड कर लिया है सो आई वुड ओपन माई डाउनलोडेड वाला सिलेबस दिस इज फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर यू कैन सी मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर लेता हूँ सो दैट हमको थोड़ा और बेहतर तरीके से ये समझ में आएगा सो so हम यहाँ पे कोई आउटकम्स वगैरह को डिस्कस नहीं करेंगे प्री रिक्वि इज वॉट कि आपने जो पिछले साल पढ़ाई की है वो इलेवेंथ आप अच्छे से कर लो तब आपको ये ट्वेल्थ में फायदा करेगा वी ऑल नो दिस लर्निंग आउटकम्स क्या हैं फिलहाल उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे द मेन थिंग इज वॉट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स सो देर आर फोर यूनिट्स वी कैन सी इज वॉट पैथन पैंडास यूजिंग विजुअलाइजेशन दैन एस्क्यूल इज देयर आई मीन डेटा बेस स्वेरी एस्क्यूल जहां पे कि हम फंक्शंस की बात करते हैं डिटेल सिलेबस देखते हैं देन कंप्यूटर नेटवर्क एंड सोशल इंपैक्ट ट्वेंटी फाइव मार्क्स फॉर दिस पैंडी फाइव मार्क्सर 10 मार्क्स फॉर नेटवर्क एंड दिस 10 मार्क्स फॉर सोशल इम्पैक्ट तो ये थ्योरी क्लासेस वगैरह तो ऑब्वियसली ये स्टैंडर्ड यू नो टाइम स्लॉट्स होते हैं बट इट कैन बी वेरी एज पर द स्कूल्स यू नो जो भी स्लॉट्स वहां पे दिए जाते हैं ना प्रोजेक्ट की अगर हम अलॉटमेंट की बात करें तो देखो ये तो पहले हो गया 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर 30 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल है प्रैक्टिकल तो प्रोजेक्ट को भी हम लोग देखते हैं लेकिन इसके पहले जो ये डिटेल सिलेबस अगर आप देखो तो पैंडास को आपको डिस्कस करना है मैट प्लॉट को करना है डेटा स्ट्रक्चर में सीरीज डेटा फ्रेम को करना है सीरीज में भी कुछ नया मुझे नहीं दिख रहा है आपको एंडी डरे से कैसे सीरीज बनाना है डिक्शनरी से कैसे बनाना है स्केलर वैल्यू के थ्रू आप सीरीज कैसे क्रिएट करते हैं यू नो डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन में भी उसी तरीके से डिफरेंट तरीकों से सीरीज बना आई मीन डेटा फ्रेम को क्रिएट करना विद द हेल्प ऑफ सीरीज डिक्शनरीज टेक्स सी एस वी फाइल्स एंड ऑल दैट देन ऑपरेशन जो है रोज एंड कॉलम्स में आप करते हैं नया रो एड करना कॉलम एड करना सेलेक्शन ऑफ रोज एंड देन डिलीटिंग रीनेमिंग एंड एवरी थिंग इज देयर देन इम्पोर्टिंग एक्सपोर्टिंग डेटा बिटवीन सी एस वी फाइल्स सो ये मेरा पहला यूनिट है इसके बाद डेटा विजुअलाइजेशन में सिंपल आपको अंडरस्टैंड करना है प्लॉटिंग क्या है ड्राइंग एंड सेविंग फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्लॉट बेसिकली हम लाइन की और बार ग्राफ की बात कर रहे हैं देन हिस्टोग्राम भी इसमें इंक्लूडेड है देन आपको कस्टमाइज करना है मतलब लेबल टाइटल और लीजेंड आप कैसे ऐड कर सकते हो अपने यू you नो know, चार्ट में या जो आप चार्ट क्रिएट करते हैं पैंडास के थ्रू वो हमें देखना है दैट इज यूनिट नंबर वन यूनिट टू में पूरा का पूरा माई एस का फंक्शन है कहीं पे भी कुछ भी इसमें खासा मुझे डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क में बेसिकली

पिछले साल के सिलेबस के साथ में तब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में कुछ डिफरेंसेस हैं तो आई वुड से दैट कि जो पिछले साल का सिलेबस था सेम टू सेम वही सिलेबस इसने उठा दिया यू कैन सी इन योर स्क्रीन देर इज नो डिफरेंस एट ऑल राइट इफ यू सी दिस यूनिट नंबर वन देर इज नथिंग यू नो लाइक न्यू यू नो विच हैज बीन एडेड बाई द सी बी एस ई कहीं पर भी कुछ भी नया एडिशन नहीं है आप मैच कर लो एक तीनों लाइन का भी डिफरेंस मुझे दिखाई नहीं दे रहा है एनसीईआरटी की बुक को आपको फॉलो करना है विजुलाइजेशन अगर आप देखो सेम वही बातें हैं डेटाबेस क्वेरी में भी वही सेम बातें हैं कहीं पे भी कुछ भी नया एड ऑन नहीं है ऑल right, आप देखो यहां पर एक जो पॉइंट मुझे दिखाई दे रहा है वो ये कि आपका इक्वी ज्वाइन जो है वर्किंग विथ टू टेबल्स यूजिंग इक्वी ज्वाइन दैट इज न्यू मतलब जो नया अभी ऐड हुआ है यूनिट नंबर वन पैथन पैंड में कुछ भी नया यहां पर ऐड आप देखेंगे नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको लेकिन यहां पर आप देखोगे इक्वी ज्वाइन जो पिछले साल आप देखो मिसिंग था वो पिछले ज्वाइन इक्वी ज्वाइन वगैरह किस में डिस्कस हो रहा था कंप्यूटर साइंस में लेकिन इस साल आपको ये पढ़ाई करनी है तो ये एक नया एलिमेंट आपका ऐड हो गया है यूनिट नंबर टू में इसके अलावा अगर आप यूनिट नंबर थ्री देखो इसमें भी कहीं कोई डिफरेंसेस नहीं है अब यहां पर क्या था पिछले साल लैंडमैन वैन था अब यहाँ पर पैन इंक्लूडेड है जो पहले भी रहा है तो ये मुझे नहीं लगता कि हम इसको कभी भी इग्नोर करते हैं पिछले साल भी हमने पैन देखा था इस साल भी हमको पढ़ना है देन आप अगर इसके नेटवर्क टोपोलॉजीज को देखोगे तो यहां पर भी ये सेम है एक मिनट में इसके पेन को यहां से ले लू दिस इज माई पेन ऑल राइट सो यहां पर भी देखो नेटवर्किंग डिवाइसेस सेम एज इट इज जो डिवाइसेस पिछले साल थे वो यहां पर भी वही हैं टोपोलॉजी सेम है इंटरनेट का जितना भी यहाँ पर टॉपिक्स पिछले साल था वेब ई मेल चैट वाइप वो सारा कुछ यहाँ पर है कुछ भी नया अभी ऐड नहीं है यूनिट नंबर थ्री में भी ये सेम एज इट इज़ जो पिछले साल था वही यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है वही चीज़ें आपको पढ़नी होंगी यू नो वेबसाइट और वेब ब्राउजर में भी सेम टू सेम सारा का सारा सिलेबस वही है सोशल इम्पैक्ट तो यूनिवर्सल है इसमें आई गेस एस की जब से ये आप डिस्कस कर रहे हैं आईपी के सिलेबस में ऐड हुआ है तब से तकरीबन वो वैसा ही रहता है हर साल नया कुछ खास इसमें डिफरेंस हमको दिखाई नहीं देता है तो हू बहु वो सारी लाइनें अगर आप देखेंगे यहां पर इसकी भी तो ये सेम टू सेम है कहीं पर भी कोई डिफरेंस नहीं है बात आती है प्रोजेक्ट्स की सो यू नो आठ नंबर का आपका यू नो पैंडास का प्रैक्टिकल है आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो सेम उसी तरह से जो लास्ट ईयर था एसक्यूएल क्वेरीज आपकी सेवन मार्क्स की हैं राइट एंड देन इसके बाद में जो प्रैक्टिकल वर्क है यू नो प्रोग्राम्स के फ्रॉम एसक्यूएल क्वेरीज यही पिछले साल भी हमने देखा था आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं सो so, प्रोजेक्ट वर्क जो है वो भी पांच नंबर का है बिल्कुल जो आप करते ही हैं उसमें कुछ ऐसी नई चीज तो है नहीं तो बेसिकली एसक्यूएल प्लस पैथन पैंडास को यूज करके आप वर्क करते हैं देन वाइवा आपका पांच नंबर का होता है टोटल तीस नंबर का होता है इसमें जो प्रैक्टिकल की लिस्ट भी सजेस्टेड है ये हु बहू सेम टू सेम सेंट जो लास्ट ईयर थी और उसके पहले जो थी वो बिल्कुल वही फॉलो कर रहा है जो ट्रेडिशन में चले आ रहा है तो ये जितने छह प्रोग्राम्स हैं इन हैंडलिंग के विजुलाइजेशन के तीन प्रोग्राम अगर आप इसे देखेंगे तो कहीं पर भी कोई डिफरेंस नहीं हालांकि प्रैक्टिकल की ये जो शीट्स हैं जो इसने सैंपल दिए हैं ये कोई मैटर नहीं करता क्योंकि डिपेंड्स और हम अपनी ओर से जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए स्कूल में है तो स्कूल अपने अकॉर्डिंग अपनी लिस्ट बनाते हैं वहाँ जो भी सर होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग ये सारी लिस्ट आपको प्रिपेयर करवाते हैं सो so प्रैक्टिकल का जो लिस्ट है वो बहुत खासा मैटर नहीं करता है द थिंग इज वॉट की जो सिलेबस शेयर किया है सी ने उसमें क्या मेजर डिफरेंसेस है वो हमें जानना था तो सिर्फ एक ही पॉइंट है ओवरऑल इस पूरे सिलेबस में एक ज्वाइन जो है सिर्फ एक चीज ऐड हुई है आई क्लास ट्वेल्व में तो ये था आज का एक क्विक ओवरव्यू इस सिलेबस का और जैसे जैसे टाइम निकलेगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ऑब्वियसली ये सारे कोर्सेज हम कंटिन्यू करेंगे जानकारी के लिए आपके मैं बता दूं कि ये सारे कोर्सेज़ आईपी के क्लास इलेवन के हों चाहे ट्वेल्थ के ये एक एक टॉपिक को हमने डिटेल में डिस्कस किया है लिंक उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं और वैसे भी हम फिर से इसके नए सेशन को लेकर फिर से आगे बढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनको भी लेके आगे बढ़ेंगे वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि अगर आईपी में आगे बढ़ना है सो ऑब्वियसली वी ऑलवेज ट्राई टू गिव आवर बेस्ट आई एम sure कि यहाँ से आपको डिसअपॉइंटमेंट तो चलिए आज की बात यहीं तक नए सेशन में फिर से मिलते हैं नए टॉपिक नए चैप्टर नए सॉल्यूशन के साथ में बाय बाय एंड टेक केयर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो